हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज में। आज की हमारी रेसिपी है चिली चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट और उसको अब फोर्क की मदद से उसमें करूँगी थोड़े से छेद। इस तरह से छेद करने पर हमारा जो चिली चिकन है उसमें जो मैरिनेशन रहेगा उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से चला जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोर्क से इसमें किए हैं ढेर सारे छेद। इसी तरह से इसे पलट कर भी मैं कर दूंगी फोर्क से अच्छी तरह से छेद। चिकन को टेस्टी बनाने का सबसे मेन प्रोसेस होता है मैरिनेशन। चिकन को यदि हम अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं तो जो हमारे मसालों का फ्लेवर है वो चिकन में बहुत ही जल्दी से पहुंच जाता है। फोर्क से छेद करने का काम खत्म होता है और अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबा लंबा काट रही हूँ। आप जो भी शेप चाहे उस शेप में काट सकते हैं। आप चाहे तो जो मार्केट में डैश शेप में मिलता है, स्क्वायर शेप में मिलता है, आप उस शेप में भी इनके टुकड़े कर सकते हैं। लीजिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। अब इसे एक बाउल में ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन को किस तरह से फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबा लंबा कट किया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। मसालों में मैं यहाँ पे सबसे पहले डालूँगी आधा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, साथ ही मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग एक से दो चम्मच के करीब, डेढ़ चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और उतना ही ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। अब इन सबको मैं हाथों से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आप चाहें तो सीधा ही इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं या आप चाहें तो थोड़ा सा पानी मिला करके जो हमारे चिकन है उसके ऊपर जो कोट है उसको मोटा कर सकते हैं। मुझे चिकन पे थोड़ा सा मोटा कवर, क्रिस्पी कवर बहुत पसंद है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है और कॉर्न स्टार्च है उसको चिकन पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए इस तरह से तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही कम पानी का हमें इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ कि जो मेरा पैंदे में थोड़ा सा ड्राई कॉर्नस्टार्च और मैदा का पाउडर है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए ये बढ़िया तरह से मिक्स हो चुका है, हर एक चिकन पीस पे बढ़िया तरीके से कोट हो चुका है। तो अब हम इसे रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। कम से कम आधा घंटा के लिए इसे रख दीजिए। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो चलिए तब तक हम इसमें जाने वाले वेजिटेबल्स को चॉप कर लेते हैं। जैसा कि मैंने चिकन को फ्रेंच फ्राइज जैसा शेप दिया है, लंबा लंबा काटा है, तो उसी तरह से मैं अपनी बाकी सब्जियों को भी काटूंगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले काट रही हूँ शिमला मिर्ची। देखिए शिमला मिर्च को मैं किस तरह से लंबा लंबा काट रही हूँ। यदि आपने आपके चिकन को स्क्वायर शेप दिया है तो आपके वेजेस को स्क्वायर शेप में काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शिमला मिर्च की तरह ही हरी मिर्च को भी मैं यहाँ पे लंबी लंबी काट ले रही हूँ। यहाँ मैंने लगभग चार से पाँच हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। आप यदि तीखा कम खाते हैं तो उस हिसाब से मिर्च को ले सकते हैं। अब इसी तरह से हम हमारी अगली सब्जी यानी कि प्याज को ले लेते हैं और प्याज को भी मैं यहाँ पर लंबा लंबा कट कर ले रही हूँ क्योंकि मैंने चिकन को लंबा कट किया है। इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पे एक ग्रीन अनियन ले रही हूँ और उसको गोल गोल कट कर ले रही हूँ। ये हमारे गार्निशिंग के काम आएगा और इसका जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम प्याज के साथ में ही डाल लेंगे। अब बारी आती है लहसुन की। लहसुन का टेस्ट हमारे चिली चिकन, चिली पनीर और चाइनीज़ की जितनी भी डिशेज है, सूप वगैरह, उसको बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देता है। इसलिए यहाँ पे मैं अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन ले रही हूँ और यहाँ मैं लहसुन लंबा लंबा काटने के बजाय बारीक बारीक कट कर रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे पीसेस जब लहसुन के हमारे मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप इसे लंबा रखना चाहते हैं तो आप लंबा भी रख सकते हैं। लीजिए, इसी के साथ हमारा चॉपिंग का काम भी खत्म हो चुका है। तो अब हम आते हैं मैरिनेटेड चिकन को डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे।
इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें आप एक तेल डालूंगी इतना कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि फिर ये तेल मेरा बाद में जब चिकन बनाऊंगी तभी इस्तेमाल में आएगा, वरना मैं ये दूसरे सब्जियों में इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उतना ज़्यादा तेल नहीं लिया है, थोड़े थोड़े ही चिकन डाल करके फ्राई कर सकूँ इतना तेल मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से तेज़ गर्म होने देती हूँ। तेल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर अब हम हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन का एक एक पीस उठा करके इसमें डालेंगे और उसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो चिकन है उसका थोड़ा सा कलर रेडिश आए, तो उसके लिए आप आपका जो ये बैटर था, जो मैरिनेशन था, उसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल सकते हैं। उसकी वजह से आपका जो चिकन है उसका कलर थोड़ा सा रेडी आएगा, थोड़ा सा लाल लाल रंग का आएगा। ये देखिए, मैंने चम्मच से हिला के जो अपना चिकन है उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। अब इसे मैं निकाल करके एक प्लेट में अलग कर लेती हूँ और इसी तरह से बाकी बचा हुआ जो चिकन है उसको भी तल लेती हूँ। ये देखिए, तलने के बाद हमारा चिकन इस तरह का हो जाता है। इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा चिकन तला जाने के बाद में अब मैं इस तेल में से जो एक्सेस तेल है उसको बाहर निकाल लेती हूँ और बहुत थोड़ा सा तेल, यानी कि लगभग एक या दो बड़ा चम्मच के करीब तेल में इसमें रख करके अपना जो चिली चिकन है उसका बघार तैयार करूँगी। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी सब्जियों को डाल देते हैं। तो उसमें मैंने शुरुआत करी है सबसे पहले प्याज डालने से। प्याज डाल करके हमें इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, क्योंकि हमें चाइनीज़ डिश बनाना है तो चाइनीज़ डिश में जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी कच्ची रहे, उसमें से थोड़ा सा क्रंचीनेस बना रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनूंगी और आँच को तो तेज़ रखना ही है ताकि उसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आए। ये देखिए, बिल्कुल एक या दो मिनट मैंने इसे फ्राई किया है और अब इसमें डाल देती हूँ शिमला मिर्ची। शिमला मिर्च को भी हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बिल्कुल हल्की सी पकाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च भी थोड़ी सी कच्ची खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर से थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा और अब हम इसे फिर से हिला लेते हैं। हमारी हरी प्याज का जो हरे पत्ते वाला हिस्सा रहेगा उसे हम थोड़ा सा बचा लेते हैं ताकि उसे गार्निशिंग के समय में इस्तेमाल कर सकें। फिर से थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी हरी मिर्ची, लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। अब इसको भी हम थोड़ी सी देर के लिए सौटे कर लेते हैं। आँच को आपको तेज़ ही रखना है। साथ में मैं यहाँ पर लहसुन भी डाल दे रही हूँ। यदि आपके पास अदरक है तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। लहसुन और अदरक यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लहसुन को सबसे आखिरी में डाल रही हूँ। और यदि आप अदरक डाल रहे हैं तो अदरक को भी आप आखिरी में डालिए, क्योंकि उससे उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। चलिए, अब बारी आती है सॉसेस की, तो चलिए अब हम इस पर सॉस डालते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है और इसी चम्मच से सारे सॉस डालेंगे। तो इसी चम्मच के नाप से मैंने यहाँ पे एक चम्मच के करीब सोया सॉस लिया है और यही चम्मच भर करके एक चम्मच के करीब मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी। फिर इसी चम्मच से एक चम्मच के करीब मैं लेती हूँ यहाँ पर विनेगर। यहाँ पे मैंने वाइट एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल किया है और अब हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच के करीब टमाटो सॉस। इसी के साथ हमारे सारे सॉस इसमें डल चुके हैं और अब हम इसमें डालना बाकी रह जाता है नमक। पर नमक डालने से पहले हम इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं, क्योंकि आँच हमारी थोड़ी तेज़ है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक डालते वक्त याद रखिएगा कि हमने हमारे चिकन में भी नमक ऐड किया है, इसीलिए जो हमारे पास सब्ज़ी है अभी कढ़ाई में उसमें स्वाद आए उतना नमक हम डालेंगे। और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सॉसेस होते हैं उनमें भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा। अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थिकनेस लाने के लिए दो चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर को पानी में अच्छी तरह से मिला करके इसमें ऐड करेंगे। इससे हमारा जो
ग्रेवी है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आपको यदि ग्रेवी थोड़ा पतला रखना है तो यही समय है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी के साथ में कॉर्नस्टार्च इसमें डाल सकते हैं, और यदि ड्राई रखना है तो ज़्यादा पानी ना डालिएगा। कॉर्नफ्लोर के इस मिश्रण को डालते वक्त आपको इसको हिला लेना होगा, यदि आप नहीं हिलाएंगे तो जो कॉर्नफ्लोर है उसके इसमें गुठले बन जाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे चिकन को डालने की। चिकन डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए तो सारा जो आपका सॉस मसाले सब्जियां हैं वो सब मिल करके आपका चिली चिकन बन करके तैयार हो जाता है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा चिली चिकन बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं करती हूँ ख़त्म। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।